देखें, अभी हम ट्रेन में बैठ के डाउनटाउन घूमने जा रहे हैं। ये कैलगरी डाउनटाउन है और यहाँ पर जो है ट्रेन फ्री में चलती है काफ़ी स्टेशन डाउनटाउन के अंदर। तो चलिए देखते हैं हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं इस ट्रेन में। सना के संग संग जोई के साथ। ओके, तो यहाँ हमें उतरना है। यहाँ एक इंडोर मॉल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी हम देखेंगे क्या क्या है इस इंडोर मॉल में। क्या कहती है सोई, चलें? हाँ। देखिए डाउनटाउन में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बहुत सारी बिल्डिंग्स के बीच में इन्होंने ये ब्रिज बनाया हुआ है, क्योंकि जब बहुत सर्दी होती है तो लोगों को बाहर नहीं आना पड़े और वो लोग एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में ब्रिज के जरिए जा सके। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो ब्रिज के जरिए कनेक्टेड है यहाँ पर। चलिए तो फोर्थ फ्लोर के लिए हम एलिवेटर ले लेते हैं। ये देखिए, ये इन्होंने कांच का डोम बनाया हुआ है मॉल के ऊपर। ब्यूटीफुल। फोर दबाना है, सही फोर। या बिलीव कर सकते हैं ये सब मॉल के अंदर है। एक पॉन्ड और ये क्या, इसके अंदर तो कुछ फिशेस भी हैं। वाओ, कहाँ फिशेस? ओह, वो रही एक बेबी फिश। कैसे मुँह खोल रही है, कितनी मोटी मोटी हो गई ये वाली फिशेस। तो देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने ऐसी लाइट्स लगाई हुई है ताकि ट्री को लगे कि नेचुरल लाइट्स है, और एक ह्यूमिडिफायर भी है जो फवारे ट्री को लगे कि मॉइस्चर जो है वो नेचुरल मिल रहा है इस तरह का। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा इंडोर इन्वायरमेंट इसीलिए क्रिएट किया है क्योंकि सर्दियाँ यहाँ पर स्नो जो है 6 से 8 महीने साल में तो स्नो रहती है, तो लोग जो हैं पार्क्स वगैरह को इन्जॉय कर सके स्नो के बगैर, इसीलिए इन्होंने इतना बड़ा इंडोर पार्क बनाया हुआ है। तो चलिए इसको और एक्सप्लोर करते हैं। कितना ब्यूटीफुल है, देखो ऊपर क्या दिख रहा है जोई, सन दिख रहा है। जब बारिश होगी तो बारिश दिखेगा, स्नो होगी तो स्नो दिखेगा ऊपर से। ओहो, प्ले एरिया में जाना है जोई को। पिज्ज़ा, देखो ऊपर फूड कोर्ट लिखा हुआ है, वहाँ जाके चेक करते हैं पिज्ज़ा है या नहीं। ठीक है, तो अब हमें फूड कोर्ट जाना है, इसका मतलब हमें ऊपर की तरफ जाना है। ओके, आई टेक द 12 इंच फोर चीज। चले, खाने में तो बहुत ही मज़ा आया, अब हम गार्बेज फेंक देते हैं और कहीं और चलते हैं। देखिए यहाँ गार्बेज जो है सिर्फ फेंक नहीं देना होता है, यहाँ बहुत सारी सॉर्टिंग होती है गार्बेज की। इस इज़ लैंडफिल जो कि ज़मीन में जाएगा, ये रिसाइकल होगा, ये ऑर्गेनिक है जिससे खाद बनेगी, और ये बॉटल्स और कैन हैं जो अलग तरह का रिसाइकलिंग है। थैंक यू। Yeah, we're working on an AI that helps people sort. Oh, it just helps people sort, so no one has to stay there and sort it. Yeah, yeah, yeah. Oh, that's really nice. देखिए ये जो है यहाँ पर ये लोग कंप्यूटर लगा रहे हैं ताकि ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली आपको कंप्यूटर बताएगा कि किस तरह से सॉर्ट करना है, किसी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होगी कि आपको ये कहेगा गुड जॉब, आपने बॉटल बॉटल में डाली, आपने ऑर्गेनिक इस तरह से डाला है। तो वो कंप्यूटर जो है उसकी पिक्चर देख के और आपको गाइड करेगा किस तरह से सॉर्ट करना है आपका गार्बेज, ताकि ये और एफिशिएंटली प्रोसेस चल सके इनका। जो वॉल है ये लिविंग वॉल है, पूछो क्यों? क्योंकि ये सारे जो प्लांट्स हैं इस वॉल में, ये सारे लिविंग प्लांट्स हैं। इसको खाद देनी पड़ती है, इसको पानी देना पड़ता है, ये ग्रो होते हैं, इसको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारी जो वॉल्स हैं इसमें लिविंग प्लांट्स हैं। गुड। देखिए अब हम इस इंडोर पार्क में से निकल रहे हैं, इस इंडोर गार्डन में से, और हम एक ओलंपिक पार्क में जा रहे हैं जहाँ पर फाउंटेन्स वगैरह होते हैं। तो चले वो देखते हैं। ये आ गए हम 3rd स्ट्रीट के ट्रेन स्टेशन पे, और यही हम ट्रेन लेके किसी और स्टेशन पे जाएंगे और डाउनटाउन कैलगरी को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे हम उतर रहे हैं। देखिए मुझे आपको एक चीज़ दिखानी थी कि ये जो बने हुए हैं वेटिंग एरिया ट्रेन के लिए, उसके अंदर हीटर है। वो हीटर होने का मकसद ये है कि ज़्यादातर साल में सर्दियाँ होती हैं तो इसके अंदर खड़े रह के वेट कर सकते हैं ताकि ठंड ना लगे।
देखिए ये जो ब्यूटीफुल स्टैचूज हैं वो हिस्टोरिकली इसलिए सिग्निफिकेंट है, जैसे इन्होंने पोस्टर पकड़ा हुआ है वेमेन आर पर्सन्स, क्योंकि ये 5 औरतों का स्टैचू है जिन्होंने फर्स्ट फाइट किया था कनाडा में वेमेन्स राइट टू वोट पे। तो ये देखिए, अरे उसमें जोई भी शामिल है ये हमारी बच्ची भी शामिल है, यहाँ टी पार्टी हो रही है, देखो जोई कप गिरा हुआ है, किसी में टी है और सारी वेमेन मिल के डिस्कस कर रही हैं कि हम भी कैसे मैन की जैसे राइट्स ले सके। एक ब्लू चकमा किससे? एक ब्लू चकमा के, ओ एक ऑरेंज वाला है, नहीं एक पिंक वाला है, ओ रेड वाला है, ओ वापस एक पिंक है, एक ग्रीन है, वापस ऑरेंज और वापस पिंक। व्यूअर्स हमने देखा कितने चकमक थे, अब मैं और दिखाती हूँ, देखो एक ग्रीन वाला, नहीं एक पर्पल वाला, ओ एक पिंक वाला। ये भी बहुत अच्छे चिपमंग से कलरफुल है ना, आ जाओ। ऐसे थे बहुत अच्छे थे, जबरदस्त थे। तो ये लाइब्रेरी जो है एक बड़ी सी दिए के शेप में इसका आर्किटेक्चर बना हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसके 4 फ्लोर हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, तो अंदर से देखते हैं हर फ्लोर का एक अलग मकसद है और बच्चों की भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर बहुत सारी हैं, तो चलें चल के देखते हैं। तो देखें इस लाइब्रेरी के 4 फ्लोर हैं, हम अभी यहाँ पर हैं और यहाँ पर जो है बच्चों की एक्टिविटीज़ है, चिल्ड्रंस लिखा हुआ है, तो वहाँ जा के देखते हैं क्या है। ये देखिए हर लैंग्वेज में वेलकम लिखा हुआ है, हर नहीं मतलब काफ़ी लैंग्वेजेस में वेलकम लिखा हुआ है। देखिए उर्दू में भी इन्होंने खुशामदीद लिखा हुआ है, वेलकम। यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स भी है और चॉइस भी है। ये वाला कौन सा टॉय है आज? देखें ज़ीब्रा है, टाइगर है, लेगो से किसी ने कितना अच्छा घर बनाया हुआ है। ब्लू, अब इसको ग्रीन पे रखो, ओ ये कौन सा कलर हो गया? ओ अब हटाओ फिर से, अब पिंक पे रखे तो कौन सा कलर हो गया? कौन सा कलर हो गया? पर्पल। ये कैसे हुआ? ऑरेंज पे रख के देखो क्या होता है, कौन सा कलर हो गया? ग्रीन, डार्क ग्रीन हो गया। देखो कितनी अच्छी बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, इससे कलर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, टावर्स बना सकते हैं। देखो मैंने ब्लू को येलो पे रखा तो ग्रीन हो गया, मैंने ब्लू को पिंक पे रखा पर्पल हो गया, देखा? वाओ। ये हम क्वेश्चनेरियम में आ गए हैं और यहाँ पर जो है थोड़े बड़े बच्चों की एक्टिविटीज़ है, कंप्यूटर गेम्स हैं, बोर्ड गेम्स यहाँ से बोरो कर सकते हैं, वुड स्टैकिंग की, लेगो बिल्डिंग की, इस तरह की गेम्स हैं जहाँ पर बच्चे मिल के साथ में खेल सकते हैं। इसमें गया नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो चला जाएगा, निकाल सकते हैं सारे पीसेस। ये देखो ये एक स्लाइड होगी, एक बहुत बड़ी स्लाइड बनाए तो। देखो ये एजेस कौन सी के लिए सोई? ये वाला एरिया है अ स्पेस फॉर किड्स 6 to 12, थोड़ी सी ओल्डर बच्चों के लिए, 6 से 12 साल के बच्चों के लिए वो वाला एरिया आपका था, लेकिन आगे भी आपके लिए एक एक्टिविटी है। देखें यहाँ इन्होंने बकेट्स रखे हैं, इस सेक्शन का नाम है डिग इट, तो यहाँ पर जो है सैंड में से इनको चीज़ें ढूंढनी हैं, कुछ टॉयज़ हैं सैंड में उस और कुछ ब्रशेस हैं, छन्नी हैं, जिससे ढूंढ सकते हैं इसमें क्या क्या है। तो चलिए ढूंढ के देखते हैं क्या निकलता है इसमें। ये रह गया था, ये क्या निकलेगा इसमें से? स्टारफिश। ये देखिए लाइब्रेरी के अपर फ्लोर्स यहाँ से दिख रहे हैं और छत भी दिख रही है। कौन सी स्लाइड? देखिए ऐसा लग नहीं रहा कि ये खास इन्होंने खेलने के लिए बनाया है एरिया, लेकिन कोई इनको आके मना नहीं करेगा, ये खेलने का एरिया ही है,
जिसमें एक स्लाइड छोटी सी बनाई हुई है, अंदर एरिया है, यहाँ पर बच्चे लाउडली बोल सकते हैं, चढ़ सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। तो ये ख़ास इसी पर्पज़ से बनाया हुआ है इन्होंने एरिया। चले अभी तो हमारे पास इतना ही वक्त था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।